पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान ये जो सीरीज खेली जानी है T20 और ODI, उसका जो टाइम है वो भी जो है वो क्या होने जा रहा है, यानी कि तब्दील हो चुका है, और जो शेड्यूल है वो भी तब्दील हो चुका है। अब शेड्यूल्स और टाइम क्या होगा, यानी कि ये जो मैच है ये किस टाइम के ऊपर शुरू होंगे, कहाँ तक जाएंगे, इसके बारे में आज हम आपको बताएंगे। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। जी खिजर, जरा बताइएगा कि पाकिस्तान की ये जो न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज होने जा रही है, इसका जो मुकम्मल शेड्यूल है और जो टाइम टेबल है वो क्या है? तो न्यूजीलैंड की टीम जो है वो अपने टाइम के मुताबिक 14 तारीख को जो है वो पाकिस्तान के साथ पहला T20 मैच लाहौर में खेलेगी। इस पहले जो 3 T20 मैचेस हैं उनका जो है वो टाइम टेबल जो है वो रात 9:30 बजे रखा गया है। जो लाहौर में 3 T20 मैचेस खेले जाने हैं उसकी वजह ये है कि रमज़ान शरीफ की वजह से जो फैंस होते हैं उन्होंने रोज़ा इफ्तार करके बाद में स्टेडियम में आना होता है, तो इसलिए पहले टाइम जो था वो 7:30 बजे रखा गया था। लेकिन अब PCB ने जो है वो रमज़ान को जो है वो रमज़ान की वजह से टाइम जो है वो 9 बजे कर दिया है T20 का, और ये पहला T20 मैच जो है वो 14 तारीख को खेला जाएगा और दूसरा T20 मैच 15 को और तीसरा T20 जो है वो 20 तारीख को खेला जाएगा। और इसके बाद जो है वो पाकिस्तान टीम और न्यूजीलैंड की टीम जो है वो रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम का रुख करेगी और उसके बाद 2 T20 मैचेस वहां पर खेले जाएंगे, जो कि आखिरी T20 जो है वो 24 तारीख को खेला जाना है। इसके बाद ODI स्कोर जो है वो 5 ODI मैच होने हैं जिनका शेड्यूल चेंज हुआ है। वो हमने पहले वीडियो में आपको बताया था, हमारे चैनल पर वीडियो मौजूद है, तो उस वीडियो में हमने आपको बताया था कि शेड्यूल चेंज हो रहा है। आज फाइनली जो है वो PCB ने शेड्यूल चेंज कर दिया है। पहला ODI मैच जो है उस शेड्यूल पुराने शेड्यूल के मुताबिक 26 तारीख को स्टार्ट होना था और दूसरा ODI मैच जो है वो 30 तारीख को स्टार्ट होना था। आज जो शेड्यूल चेंज हुआ है उसके मुताबिक पहला ODI मैच जो है वो रावलपिंडी में शुरू होगा 27 तारीख को और दूसरा ODI मैच जो है वो 29 तारीख को, वो भी रावलपिंडी को दिया गया है। दूसरा ODI मैच भी, यानी कि रावलपिंडी में 4 मैचेस होंगे, 2 ODI और 2 T20, आखिर के जो T20 होंगे और शुरू के 2 ODI मैच वो रावलपिंडी को दिए गए हैं। इसके बाद जो है वो टीम जो है वो कराची का रुख करेगी, जिसमें न्यूजीलैंड और पाकिस्तान की टीम के दरमियान जो तीसरा ODI सीरीज का होगा वो 3 तारीख को खेला जाएगा, 3 मई को, और चौथा ODI मैच जो है वो 5 मई को खेला जाएगा और पांचवा और आखिरी जो ODI मैच है वो 7 मई को खेला जाएगा। लेकिन ODI जो मैचेस हैं उनका टाइम टेबल पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 3:30 बजे स्टार्ट होगा ODI मैच, और T20 मैच जो है वो रात 9 बजे से स्टार्ट होंगे। तमाम T20 और तमाम ODI मैचेस एक ही टाइम के मुताबिक स्टार्ट होंगे, ODI 3:30 बजे और T20 रात 9 बजे से स्टार्ट होंगे। उम्मीद है कि ये जो हमारा आज का शो है ये आपको पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह।